की कोशिश करें क्योंकि इसमें कोई रियलिटी नहीं होगी, दैट्स व्हाट विनिकॉट थिंग्स। ठीक है जी, तो यहां तक था विनिकॉट का व्यू। डोनाल्ड विनिकॉट, मुझे नहीं मालूम कि कितना आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, पर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए जो आगे से कनेक्ट होंगे। कोई चीज अनकन्फर्म्ड नहीं रहनी चाहिए, कम नहीं रहनी चाहिए। चलिए आज की क्वेश्चन कर लेते हैं जरा फटाफट से। अनलाइक दी, ये सारे क्वेश्चन इमोशंस पे हैं, आप लोगों को पता ही है, हम प्रीवियसली आपसे डिस्कस कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन, आज के क्वेश्चंस का हिस्सा है जिसके लिए आप इंतजार भी कर रहे होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है जो आपको चाहिए उसके लिए पहले आपको हमारे साथ बने रहना होगा। चलिए, अनलाइक दी कॉग्निटिव अप्रेजल थियरी द अफेक्टिव प्राइमेसी थियरी स्टेट्स। कॉग्निटिव अप्रेजल थियरी जो है इमोशंस की, उसके विरुद्ध अफेक्टिव प्राइमेसी थियरी क्या कहती है? ऑप्शन ए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी हैपन साइमल्टेनियसली विद द ब्रेन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इवेंट। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं बॉडी के, वो बिल्कुल साथ में होते हैं जब ब्रेन इंटरप्रेट करता है किसी इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना? अरे हाँ, आप ये मूवी देख सकते हो इनसाइड आउट, और आपको ये जॉय और सैड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाएगा। वैसे ये पॉल एकमैन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, द ब्रेन इज इंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी इमोशन वन इज हैविंग। ब्रेन पूरे तरीके से, ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इमोशन के इंटरप्रिटेशन के लिए जो आप महसूस कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी ऑफन डिटरमिन द इमोशन वन इज फीलिंग। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी, जो शरीर के अंदर जो शारीरिक जो चेंजेस होते हैं, ज्यादातर वो डिटरमिन किए जाते हैं इमोशनल वन से, जिसे फीलिंग कहते हैं। इन सम सिचुएशन अ पर्सन फील्स एन इमोशन बिफोर हैविंग टाइम टू इंटरप्रेट द सिचुएशन। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि व्यक्ति, ए पर्सन फील्स एन इमोशन, इमोशन पहले महसूस करता है और इंटरप्रिटेशन बाद में। कभी कभी ऐसा होता है, इनमें से कौन सा सही है? अफेक्टिव प्राइमेसी थियरी के लिए कौन सा सही है? जो मैंने अभी तक आपको काम करवाया है और जो करवा रहा हूँ, अगर वो पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर देना इसको, और शेयर आप कर ही दोगे जो काम के लोग होंगे। अच्छा हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना जिन लोगों को करना हो। वैसे तो इसका लिंक अच्छा पब्लिक है, ठीक है। गिराओ भाई, आंसर नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। देखो होता क्या है, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिसमें कि आपका इंटरप्रिटेशन बाद में होता है कि ये इमोशन मेरे को आ रहा है, उससे पहले आपका इमोशन आ जाता है। सरप्राइज के केस में, डिसगस्ट के केस में ये बहुत बार होता है। नेक्स्ट, द सिक्स यूनिवर्सल इमोशंस स्पेसिफाइड दैट इनहेरिटेड फेशियल पैटर्न ऑफ एक्सप्रेशंस आर। फेशियल पैटर्न एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान में रखें तो सिक्स यूनिवर्सल इमोशंस कौन से हैं? वरीड, सैडनेस, एंगर, रिसेंटमेंट, डिस्गस्ट, फियर, और हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, डिस्गस्ट, फियर। हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, एंगर, सैडनेस, फियर, कन्फ्यूजन, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, डिस्गस्ट। कन्फ्यूजन की बात एक मैंने नहीं की है, एक्साइटमेंट की बात एक मैंने नहीं की है, और वरीड और रिसेंटमेंट की बात ये नहीं करता है। आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following statement supports the result of the Ekman-Friesman experiment? Ekman और Friesman का जो experiment था, ये सब explanation दिए हुए होंगे नीचे। Ekman और Friesman का जो experiment था उसके बारे में, between 5 and 7 months of age, infant show fear, 5 से 7 महीने के बीच में बच्चा क्या दिखाता है? डर दिखाता है। It is difficult to communicate with people of different culture. ये मुश्किल है, अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ डिफ़िकल्ट है कम्युनिकेट करना। People so disgusted for many different reasons, बहुत सारे reasons के लिए लोग
डिसगस्ट दिखाते हैं, बेबी स्माइल ड्यू टू मॉडलिंग बिहेवियर, मॉडलिंग बिहेवियर की वजह से बेबी स्माइल करते हैं, ठीक है ना। ये तीनों ही गड़बड़ हैं, ये सही है, बिकॉज उन्होंने जब अलग अलग कल्चर्स की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि 5 से 7 महीने की एज में आप फियर दिखाते हैं। इस लाइन को याद भी रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ये एकमैन की थियोरी का हिस्सा है, बताया था मैंने, कैमरा लेकर के घूमने में लगा हुआ था, बहुत सारी जगहों पर गया था। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सेम्प्लीफाई द यर्क्स डॉटसन लॉ, क्वेश्चन जरूर आता है यर्क्स डॉटसन लॉ पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो आपका अराउजल होता है और परफॉर्मेंस है, उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, इसको आपको याद रखना होगा। कैसा रिलेशन होता है? बेल कर्व रिलेशन होता है। जब भी बेल कर्व रिलेशन की बात करें तो घटना और बढ़ना दोनों का रिलेशन होगा, यानी कि अराउजल ज़्यादा होगा तो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी लेकिन एक लेवल तक, और ज़्यादा अराउजल होगा तो परफॉर्मेंस गिरने लगेगी आपकी। अराउजल बढ़ेगा तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अराउजल बढ़ जाएगा तो आपकी परफॉर्मेंस गिरने लगेगी, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैनी ऑफ लियोज फ्रेंड थिंक ही इज डिप्रेस ड्यू टू हिज लैक ऑफ एनी फेशियल एक्सप्रेशन। जॉस हैज़ अ लुक ऑफ डिसगस्ट ऑन हिज फेस आफ्टर स्मेलिंग द रॉटन मिल्क। लिंडा स्पेंड्स आर प्लेइंग द चैलेंजिंग वीडियो गेम बिकॉज दिस एक्टिविटी अराउज एंड मोटिवेट्स हर। विलियम्स टेस्ट एंजाइटी हेल्प्स हिम स्कोर हायर ऑन द एग्जाम। कौन सी वाला सही है? देखो, ये दोनों ही किसकी बात कर रहे हैं? इमोशन की बात कर रहे हैं, टेस्ट एंजाइटी एंजाइटी की बात कर रहा है, यही है जो कि अराउजल और मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसलिए सी होगा इसका आंसर, राइट। थोड़ा जल्दी फाइंड आउट करो। हाँ भाई, हैप्पीनेस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हैप्पीनेस में सभी जुड़े हुए होते हैं केवल एक को छोड़ करके। फीलिंग अ पॉजिटिव इमोशन, बीइंग सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, नॉट एक्सपीरियंसिंग ए नेगेटिव इमोशन, हैविंग ए हाई पेइंग जॉब। अब ऑब्वियस सी बात है, फीलिंग ए पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन मतलब हैप्पीनेस, बीइंग सेटिस्फाइड विद योर लाइफ पॉजिटिव इमोशन, नॉट एक्सपीरियंसिंग ए नेगेटिव इमोशन यानी पॉजिटिव इमोशन, हैविंग ए हाई पेइंग जॉब, इसका इमोशन से कोई लेना देना नहीं, आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट जी, थैंक यू सो मच, ये थे आपके क्वेश्चन। अगली बार क्वेश्चंस भी थोड़े से बढ़ा देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। और अगला जो काम है उसमें मैं सोच रहा हूँ कि अटैचमेंट को हम कंप्लीट कर दें। मैं आपको जॉन बॉल्वी, हैरी हार्लो और मैरी एंसवर्थ, ये तीनों करवा दूंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन मुस्लिमली कल होगा, तो कल हम ये तीनों सेक्शन कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। 1 घंटा हो गया।